अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां आए दिन हो रहे हादसों के बाद भी ना तो आरटीओ विभाग जागा और ना ही पुलिस प्रशासन की नींव टूटी है। कार्यवाही ना होने से यात्री वाहनों में भूसे की तरह ठूस ठूस कर यात्री भरे जा रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना है। बात करें नई गढ़ी कस्बे की, जहां से गुजरने वाली चाक घाट जाने वाली बसों में आए दिन क्षमता से अधिक सवारियों का लोड आए दिन देखा जा रहा है। वहीं थाने के समीप से गुजरती हुई खचाखच भरी यात्री बसें थाने के समीप ही सवारियां उतारती और चढ़ाती हैं। लेकिन प्रशासन का इस तरह से मूक दर्शक बने रहने से उंगली उठना लाजमी है। लोगों के मन में बड़ा सवाल है कि आखिर कब प्रशासन जागेगा, कब रुकेंगे हादसे, जिम्मेदार कब नींद से जागेंगे। अभी हाल में ही सुहागी के पास आरटीओ कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर बड़ा हादसा हुआ। जांच के नाम पर कॉलम पूर्ति की गई। इसी तरह नई गढ़ी कस्बे से चाक घाट की तरफ जाने वाली बसों में भूसे की तरह ठूस ठूस कर भर रहे यात्री, जिसके संबंध में लोगों ने नई गढ़ी पुलिस से चर्चा की, तो नई गढ़ी पुलिस यात्री बस के पास पहुंची तो देखा कि 32 सीटर बस में 100 से ज्यादा सवारी थी। सवारी क्षमता से अधिक ओवरलोड होने के बावजूद भी ऐसे बस संचालकों के खिलाफ कार्यवाही न किया जाना कहीं न कहीं पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहा है। वो वाले खोल दे गेट रे, काहे को खोल देगा परी ना चाचा आल भाई का गाड़ी कोई के अरे सकाल हर किसी को